हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज पहली अपडेट लेकर आए हैं प्रियंका चौधरी के बारे में। प्रियंका चौधरी कहीं ना कहीं थोड़ा सा इमोशनल होते हुए नजर आ रही है और अपने सोशल मीडिया पर ये लिखते हुए नजर आ रही है कि उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है जो तुम्हें उस समय पर छोड़ गया हो, जिस समय तुम्हें उनके प्यार और उनकी ज्यादा जरूरत हो, उसके पीछे कभी मत जाओ। तो सभी फैंस ये सवाल उठा रहे हैं कि ये अक्सर इतनी इमोशनल भरी बातें आखिर जो प्रियंका है वो किसके लिए लिख रही है। हम आपको बताना ही चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हम आपको अपडेट करती आ रहे हैं कि जो अंकित के साथ उनका रिश्ता अच्छा चल रहा है और उनके साथ कुछ समय पहले ही बहुत ज्यादा मस्ती करते हुए दिखी थी और जो अंकित गुप्ता है वो प्रियंका की केयर भी करते हुए दिखे थे। और कहीं ना कहीं फैंस भी ये मान रहे हैं और बातें ये सच भी नजर आ रही है कि कुछ दिन पहले अभिषेक कुमार की सपोर्ट करते हुए जो प्रियंका दिखी थी और ये बातें भी कहीं ना कहीं अभिषेक के बारे में ही प्रियंका लिखती हुए नजर आ रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि अभिषेक कहीं ना कहीं प्यार में थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाते हैं। कैसे जो ईशा है उन्होंने पहले तो अभिषेक की सपोर्ट की और बाद में समृद्ध का साथ दिया, इस बात से भी लेकर जो अभिषेक कुमार बहुत ज्यादा इमोशनल हुए थे। और जब अभिषेक कुमार के एविक्शन की बात चली थी तो सभी फैंस अभिषेक कुमार की सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे थे और कहीं ना कहीं जो प्रियंका है वो भी उनकी बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आ रही थी और अंकित गुप्ता भी उनकी बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे। और दूसरी अपडेट लेकर आए हैं एमसी स्टैंड के बारे में। एमसी स्टैंड का एक बहुत बड़ा ड्रीम पूरा हुआ है। हाँ जी, बात ऐसे है कि उनका एमएस धोनी यानी कि महेंद्र सिंह धोनी के साथ उनका एक प्रोजेक्ट आने वाला है और एमसी स्टैंड बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि वाकई मेरा सपना पूरा हुआ है क्योंकि मैं बचपन से ही जो मेरा फेवरेट खिलाड़ी है वो एमएस धोनी ही है और अब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरा इनके साथ एक प्रोजेक्ट आने वाला है। और इनको सपोर्ट करते हुए दिखे शिव ठाकरे, निमृत कौर आलूवालिया और सुंबल इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो अब्दू वो अभी तक उनका कोई रिएक्ट नहीं आया। और तीसरी अपडेट लेकर रहे हैं सुंबल के बारे में। सुंबल ये कहते हुए नजर आ रही है कि बिछड़ गए तो सारी उम्र दिल नहीं लगेगा और ये किसके लिए बातें कह रही है, फैंस ये सवाल उठा रहे हैं। कुछ फैंस कह रहे हैं ये मिस्कत के बारे में बातें कर रही है, लेकिन मिस्कत के साथ तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मस्ती करते हुए ही नजर आ रही है। और कुछ फैंस ये कह रहे हैं कि ये फैमान के बारे में ही बात कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि ये फैमान के बारे में ही बात करते होगी। तो आपकी क्या राय है आप भी प्लीज कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करते जाइए, चैनल को जरूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि आपको अपडेट जल्दी से जल्दी मिल सके। धन्यवाद।